क्या आप लोग भी फेसबुक पर वीडियो अपलोड करते हैं? दोस्तों, अगर आप लोग फेसबुक पर वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पहले पता होगा कि पहले एक YT स्टूडियो की तरह एक फेसबुक स्टूडियो भी था जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है अब कि वो जो भी पहले जिसकी मदद से आप थंबनेल लगाते थे उस एप्लीकेशन को मतलब प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, तो अब आप लोग थंबनेल नहीं लगा पा रहे हो फेसबुक में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग फेसबुक में कैसे थंबनेल लगा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग फेसबुक पे थंबनेल लगा सकते हो। और दोस्तों आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग जिस प्रकार से पहले आसान तरीके से थंबनेल लगा पाते थे उसी प्रकार से अब भी लगा पाओगे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं क्रोम ब्राउज़र में चले जाता हूँ। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फेसबुक स्टूडियो। तो मैं यहाँ से देखो यहाँ पे सर्च किया हूँ फेसबुक स्टूडियो, तो मैं ये सर्च किया और सर्च पे क्लिक किया। तो मैं सर्च पे क्लिक किया और क्रिएटर स्टूडियो का जो पहला जो एक लिंक खुल के आ रहा है ना, आपको इस पर ही क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपका लॉगिन नहीं है फेसबुक तो आप लोग उसी से मतलब लॉगिन करना जिस पे आपका पेज बना हुआ है, तो आप लोग लॉगिन कर लेना इस साइट में। तो मैं जैसे कि मैंने लॉगिन करके रखा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, कैसे आपको थंबनेल लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपना लॉगिन कर लेना पेज। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक फोर्थ में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन है कंटेंट का। आपको कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जितना कंटेंट होगा जो भी आपने अपलोड किया होगा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर में देखो एक ऑप्शन है पब्लिश का, शेड्यूल का, ड्राफ्ट का। जितना भी आपका वीडियो पब्लिश है वो यहाँ शो करेगा, जितना भी शेड्यूल है ये यहाँ पे शो करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें थंबनेल कैसे लगाना है। मेन जो बात हो रही थी वो थंबनेल लगाने की हो रही थी। तो थंबनेल कैसे लगाना है, थंबनेल लगाने के लिए दोस्तों करना क्या है कि वीडियो के साइड में आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 3 डॉट का। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एडिट पोस्ट का। तो मैं एडिट पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। आपको एडिट पोस्ट पर क्लिक करना है। तो मैं एडिट पोस्ट पर क्लिक करता हूं और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कुछ मिनटों में कैसे आपको थंबनेल लगाना है। तो ये यहां से वो आ गया है ओपन होके। अब यहां पे थंबनेल कैसे अपलोड करना है आप ध्यान से देखिए। यहां पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा अपलोड इमेज का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा अपलोड इमेज का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि आप लोगों को थंबनेल यहीं से अपलोड करना है। यहाँ से जो भी आपका थंबनेल होगा दोस्तों, वो थंबनेल आप लोग यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अपना थंबनेल यहाँ से सेट कर सकते हो। और नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग सेव के बटन पर क्लिक करके सेव कर लो, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको टाइटल लिखना है वो टाइटल लिख दो और दोस्तों यहां से आप लोग इजीली अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहां नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं और दोस्तों आपको बस इतना करना है, उसके बाद देखना दोस्तों कि यहां पे टोटली मेरा थंबनेल जो है लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको थंबनेल लगाना है। अगर आपको दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमारा जो थंबनेल वो लग चुका है आप लोग के सामने लाइव। तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, ठीक है।